हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ स्पाइन स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिस्टर शहबाज जैदी हैं जो मुजफ्फरनगर रहते हैं, मुजफ्फरनगर, और इनका जो प्रॉब्लम है वो L5-S1 डिस्क बल्जिंग है, जिसकी वजह से इनको नर्व रूट कंप्रेशन हुआ था और इनके लेग में पेन काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था December 2019 में और उसके बाद से पेन चल रहा था इनको, और हमने अगस्त में इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, क्योंकि मुजफ्फरनगर रहते हैं तो ये टाइम टू टाइम आते हैं, रोज नहीं आ सकते या हफ्ते में एक बार भी नहीं आ सकते। तो इनका जो ट्रीटमेंट है हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद इनको अभी क्या बेनिफिट है और इनकी क्या सिचुएशन थी वो हम इन्हीं के मुँह से सुनेंगे। तो शहबाज साहब, जब आप दिसंबर में आए थे उस वक्त आपको दर्द स्टार्ट हो चुका था कमर में, मतलब जब दिसंबर में दर्द स्टार्ट हुआ था दिसंबर में मेरे क्या कि थोड़ा कम दर्द था, उसके बाद जैसे ट्रैवलिंग से कुछ इधर से कुछ वर्कलोड की वजह से मेरा अप्रैल के मतलब जो मार्च के बाद जैसे लॉकडाउन हुआ उसके बाद जब घर में रहा मैं, तो उसके बाद मेरे ज़्यादा दर्द एकदम बढ़ता चला गया। फिर उसके फिर मैं आपके पास आया, मैंने यूट्यूब पर आपको सर्च किया जी, तो आप फिर 7 अगस्त को मैं आपके पास आए थे यहाँ पर। तो उस वक्त क्या कंडीशन थी जब हमारे पास? उस वक्त मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं जितनी देर तक आपसे बात खड़े होकर कर पा रहा हूँ ये मुझसे हो नहीं पा रहा था, और मैं चल भी नहीं पा रहा था। आपने मेरे से कहा भी था थोड़ी वॉकिंग करो, मगर मैंने घर पे पकड़ के अपने ट्रेडमिल को चलने की कोशिश करी, मगर मुझसे वो भी नहीं हुआ कि ऊपर लटक के पैर चला लूं, मैं मुझे पे लेट नहीं पड़ा जी। तो नर्व रूट कंप्रेशन काफी ज्यादा था और जैसा बताया काफी ज्यादा था और चलने में बैठने में काफी अनकंफर्टेबल था, चल भी नहीं पा रहे थे जब हमारे पास आए थे। और कैरोप्रैक्टिक सेशंस के बाद इनको आज आप देख सकते हैं कि इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, पहले सीधा खड़ा नहीं हो पा रहे थे और पेन काफ़ी इनका काफ़ी हद तक कम है। तो एक सेशन आज इनका कैरोप्रैक्टिक का हम आपको करके दिखाएंगे और उसके बाद फिर एक बार इनको दोबारा हम बात करेंगे। आइए एक बार लेग लेंथ चेक कर लेंगे, क्योंकि इनका पोस्चर काफ़ी खराब था शुरू में। अभी इनका लेग लेंथ जो है वो काफ़ी इक्वल हुआ है, इनिशियली हिज लेग वाज वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। दोनों हाथ पीछे रखिए, गर्दन थोड़ी रखिए लूज, रिलैक्स लूज, मेरी तरफ टर्न करिए। सांस लेके सांस छोड़ी, रिलैक्स हो बैक, यस टर्न द साइड। कमर को ढीला छोड़ो, थोड़ा सा और लूज कमर को, और लूज रखो, सांस लेके सांस छोड़ी, कमर को ढीला छोड़ी, डियर क्रॉस, सो अभी हमने एक कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट किया और इनका L5-S1 नर्व रूट को डीकम्प्रेस करने के लिए एक एडजस्टमेंट हमने भी किया। तो इस ट्रीटमेंट के जो आपको हमने फर्स्ट टाइम जैसे यूट्यूब पे देखा था, तो आपको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, बहुत सारे लोगों को इंडिया में इस ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता है, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका इस ट्रीटमेंट के बारे में? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है इसके बारे में, क्योंकि मैं पहले भी कई तरह के फिजियोथेरेपी करा चुका था जिससे मुझे रिलीफ नहीं हो पा रहा था जी, मगर ये कराने के बाद मुझे इससे काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक आपके सामने में खड़ा हो पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, काफ़ी रिलैक्स हुआ इससे। ओके दैट्स गुड, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ इफ यू हैव एनी
spine problem, if you have disc problem or any kind of a spine problem or similar problem to him, you can mention your problem in our comment box. We can definitely reply to you. And if you want to get the appointment with us, you can just contact us with the number or telephone number. And our address and telephone numbers are mentioned in the description. Thank you very much for watching the video. Please subscribe our channel and please press the bell button also, so then you can get the new video every time. Thank you, viewers. Thank you, Shavazi.